नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी भी आयोग की वेबसाइट पर आपका पीटी का जो एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका एग्जाम है कितने पालियों में होगा, किस शिफ्ट में होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन सब इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया है। तब आपके पास ये चारा नहीं बचा है कि एग्जाम और टल जाए। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता उसका नोटिफिकेशन तब तक दिमाग में रहता, हो सकता है कि और टल जाएगा, जैसे एक बार टल गया था 18 सितंबर से। ठीक है, तो अब आपके पास गिने चुने सिर्फ हैं 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी एकदम जोरों शोर से लग जाइए। टीम के द्वारा मैराथन क्लासेस चलाई जा रही है, सभी क्लासेस को अच्छे से देख लो। पीटी क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओ, इंस्टॉल करो। बाय डिफॉल्ट वो पूरा क्रैश कोर्स क्योंकि निशुल्क है आपके परचेज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप पूरी रामबाण की पीडीएफ 160 पेज की पीडीएफ पढ़ डालो। मैं बता रहा हूं उस 14 दिन में एक भी प्रश्न आपका कहीं भी बाहर से नहीं पूछेगा। जितना आपको क्लास दी गई है, जितने पीडीएफ दिए गए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ डालते हो तो पक्का है 100% कि आप 80 प्लस वहां पर स्कोर करके आओगे। तो चलिए यहां पर नोटिफिकेशन के बारे में एक बार हम आपको बता दें कि साफ साफ यहां पर देखो लिखा हुआ है कि भैया आयोग के विज्ञापन 4 परीक्षा 2022 पीटी वाला जो 15-16 को आपको प्रस्तावित है। ठीक है, 16 तारीख को संडे है और 15 को सैटरडे है, तो भैया ये प्रत्येक दिन दो पालियों में होगा, मतलब टोटल 4 पाली में होगा। पिछली बार सिर्फ 2 पाली में पेपर हुआ था और इस बार समझ लो 4 पाली में पेपर हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का भी इंपैक्ट होगा, तो स्कोर अच्छा करो। एक तो आपका पहला जो शिफ्ट होगा 10 से 12 बजे होगा और दूसरी जो शिफ्ट होगी वो 3 से 5 बजे होगी। 2 घंटे का पेपर है, 10 से 12 और 3 से 5। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आ चुका है, यहां बोल दिया है 1/10/2022 से आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर है। आप जाके वहां पर अपना डिटेल फिल करके अपना सेंटर देख सकते हो कि कहां पड़ा हुआ है, फिर उस हिसाब से रिजर्वेशन कर लो। और ये ऑलमोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ा रहेगा जहां पे आपने होम डिस्ट्रिक्ट डाला है, क्योंकि सभी यहां बोला ना प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित की जा रही है। जितने भी आपके जनपद हैं सभी को सेंटर बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है जनपद से बाहर नहीं जाएगा अगर जहां के आप मूल निवासी हैं आपने अपना एड्रेस डाला होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।